हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आपको हमारी बुक समरीज बहुत पसंद आ रही होंगी। तो हाजिर हैं हम एक बार फिर से आपके सामने एक नई बुक और एक नई बुक समरी के साथ। आज हम जिस बुक को समराइज करने वाले हैं, उस बुक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ ब्लॉसम्स एंड ग्रोथ, और इस बुक के ऑथर है मिस्टर ऋषिकेश शेलकर। सो स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी। ये किताब पौधों की दुनिया के बारे में एक दिलचस्प खाता है, जिसमें पौधों की देखभाल पर आसान सलाह और कुछ लोकप्रिय हाउस प्लांट्स की जानकारी दी गई है। किताब की शुरुआत पौधों की देखभाल के बुनियादी सिद्धांत जैसे कि फोटोसिंथेसिस और पौधों की संरचना के साथ होती है। उसके बाद इसमें पीस लिली, स्नेक प्लांट और बहुत सारे ऐसे पौधों की जानकारी दी गई है, और साथ साथ में अलग अलग देखभाल के तरीके भी बताए गए हैं। प्रत्येक पौधे का विस्तार से वर्णन किया गया है, उनके लक्षण, उनकी देखभाल की स्थिति और उनकी वृद्धि के बारे में आने वाली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो सब बताई गई है। किताब में आपको पानी देने, रोशनी, मिट्टी के प्रकार, तापमान, इन सब के बारे में सुझाव भी मिलेंगे। ये बुक पौधों की देखभाल के साथ साथ उनके पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले लाभों के बारे में भी बताती है, जैसे कि हवा को साफ करना, तनाव को कम करना। ये सिर्फ एक गार्डनिंग गाइड नहीं है, बल्कि पौधों को जीवन में जोड़ने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। किताब पौधों की सुंदरता और उनके सांस्कृतिक महत्व के बीच संतुलन बनाती है, जो पाठकों को पौधों की सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ के लिए भी सराहने के लिए प्रेरित करती है। स्टेप बाय स्टेप दिया गया ये एक मार्गदर्शन इस किताब को एक सरल और सफल इंडोर गार्डनिंग की गाइड बनाता है, जो पाठकों को प्रकृति के और करीब लेके आता है। पौधों को उनके निवास स्थान और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में, ग्रुप्स में बांटा गया है। इंडोर पौधे वो होते हैं जो हमारे घर और हमारे ऑफिस के नियंत्रित माहौल में अच्छे से बढ़ते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, जिसको कि कम रोशनी और अनियमित पानी के साथ जीवित रह सकता है, और पीस लिली, जो हवा को शुद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके विपरीत जो बाहरी पौधे होते हैं, जैसे पेड़, झाड़ियाँ, बगीचों के फूल, वो प्राकृतिक माहौल में पनपते हैं। ये पौधे उगाने में संतोषजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर ज्यादा जगह, ज्यादा धूप और ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अन्य तरह के पौधों में सक्यूलेंट्स, इनकी पत्तियां मोटी और रसदार होती है, जो पानी को संचित करती है और इन्हें शुष्क स्थान के लिए उपयुक्त बनाती है, जैसे कि कैक्टस, एलोवेरा। ये प्रक्रिया पौधों को भोजन प्रदान करने के अलावा वातावरण में ऑक्सीजन भी उत्पन्न करती है, जो मानव सहित सभी वायवीय जीवों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर श्वसन की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलते हैं, जो पौधों की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में होता है, और प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन श्वसन में काम आती है। पौधों का महत्व केवल जैविक उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, पर्यावरण के लिए भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायता करते हैं और वायु गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। हमारी हेल्थ के लिए भी पौधे बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। अध्ययन से पता चला है कि पौधे तनाव को कम करते हैं, हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। विशेष रूप से सूखे वातावरण या सर्दियों में इंडोर पौधे हवा में नमी बढ़ाते हैं, हमारे फेफड़ों, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा पौधों को संरचनात्मक और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी वो उपयोगी माने जाते हैं। पौधे किसी भी स्थान की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और उसे जीवंत कर सकते हैं। एक छोटे से बालकनी में गमलों में लगाए गए पौधे से लेकर एक सजी धजी इंडोर पौधे की सजावट तक पौधे रंग, बनावट और जीवन को जोड़ सकते हैं। पौधों की देखभाल के लिए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पौधों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है प्रकाश। जैसे कि सक्यूलेंट्स और कैक्टस को अधिक धूप की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ इंडोर पौधों को कम रोशनी की जरूरत होती है। पानी देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई पौधों को ज्यादा या कम पानी देने से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर पौधे की जल आवश्यकताओं को समझना बहुत जरूरी है। मिट्टी भी पौधों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पानी को सही तरीके से बाहर निकालने वाली मिट्टी कुछ पौधों के लिए जरूरी होती है। तापमान और नमी भी महत्वपूर्ण कारक है। अधिक गर्मी या ठंड से कई पौधे प्रभावित होते हैं, जैसे कि फर्न पौधों को अधिक नमी पसंद है, जबकि सक्यूलेंट शुष्क वातावरण में ज्यादा अच्छे से पनपते हैं। कभी कभी पौधों में कीट जैसे एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और मेलीबग्स द्वारा नुकसान हो सकता है, जो पत्तियों और तनों से रस चूसते हैं।
अधिक पानी देने से जड़ों का सड़ना और पानी कम देने से उनका मुरझाना ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। नियमित निरीक्षण से समय पर समस्याओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोपेगेशन एक तरीका है, जैसे कि कटिंग, बीज और डिवीजन के माध्यम से पौधों को बढ़ाना। कटिंग में तने, पत्ती और जड़ का एक हिस्सा काटा जाता है और उसे एक नया पौधा बनने दिया जाता है। सारांश के रूप में देखा जाए तो पौधे हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों की सही देखभाल से हम उनकी सुंदरता और उनके लाभों का आनंद ले सकते हैं। ऑथर ने 19 तरह के अलग अलग तरीके के प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है और उनके बारे में बताने की कोशिश की है, किस तरह से उनकी प्रकृति होती है, किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं, उनकी केयर के क्या टिप्स हैं, किस तरह से उनके कॉमन इश्यूज होते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया। तो ऐसे 5 पौधों के बारे में आज हम इस बुक समरी में जानेंगे। हालांकि ऑथर ने 19 पौधों के बारे में इस बुक में बताया है, लेकिन मैं 5 पौधों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। और अगर आपको उन 19 पौधों के बारे में जानना है तो इस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा, जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो हमारा फर्स्ट प्लांट है, दैट इज स्नेक प्लांट। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आपको स्नेक प्लांट दिखेगा। स्नेक प्लांट, जिसका की वैज्ञानिक नाम है सेंसेविरिया टेरिफेसिएटा, ये एक मजबूत और आकर्षक पौधा है जो कि पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। इसे मदर इन लॉस टंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते तलवार के तरह नुकीले होते हैं। इसके विभिन्न प्रकारों में, जैसे कि लॉरेंटीन, मूनशाइन और सिलेंड्रिका, प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेष सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे कमरे में अलग अलग आकर्षण जोड़ने के लिए आदर्श बनाती है। इसकी मोटी और मोमी पत्तियां इसे पानी की कमी और उपेक्षा से बचाने में मदद करती है। हम बात करेंगे कुछ केयरिंग टिप्स की, जो इस बारे में हमें ऑथर ने बताए हैं। स्नेक प्लांट, जिसे की देखभाल में आसानी के लिए जाना जाता है, दोनों शुरुआती और अनुभवी पौधे प्रेमियों के लिए ये एक आदर्श है। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसे केवल तब पानी देना चाहिए जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी हुई हो। ये अच्छी तरह से बढ़ता है, विभिन्न प्रकाश स्थितियों के अंदर ये बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे कि हल्की अप्रत्यक्ष रोशनी या कम रोशनी में। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की जरूरत होती है और हर कुछ साल में इसे नए मिट्टी में पुनः रोपित करना जरूरी है। स्नेक प्लांट को ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, बस बसंत और गर्मी के मौसम में एक दो बार हल्के रूप से उर्वरक देना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्लांट के कोई इश्यूज नहीं होते हैं। स्नेक प्लांट मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी इसे कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्य कीट, जैसे कि स्केल कीड़े, मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स, पत्तियों से रस चूसकर पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक पानी देने से जड़ सड़ने की समस्या हो सकती है, इससे पत्तियां गीली, पीली और मुरझाई हुई होती है। गलत प्रकाश और पानी देने के कारण पत्तियों में जलने और धब्बे धीमी वृद्धि से हो सकते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए पौधे को सही स्थान पर रखना और उचित जल निकासी वाली मिट्टी में रोपण करना जरूरी है। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संतुलित उर्वरक का ही प्रयोग करें। हमारा जो दूसरा प्लांट होने वाला है, दैट इज एग्लोनिवा। इसे चीनी सदाबहार भी कहा जाता है। ये एक लोकप्रिय और सुंदर इंडोर पौधा है, जो अपनी रंगीन पत्तियों और विभिन्न इंडोर वातावरण में अनुकूलता के लिए जाना जाता है। ये पौधा मूल रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस का है। अपनी देखभाल में सरलता और सुंदरता के कारण ये पौधा प्रेमियों के लिए के बीच में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसकी चौड़ी और चमकदार पत्तियां विभिन्न रंगों और पैटर्न्स में होती है, जो इसे घर की सजावट के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। एग्लोनिमा की पत्तियां हरे, सिल्वर, लाल, गुलाबी और क्रीम, इस तरह के अलग अलग रंग की होती है। इसकी पत्तियां लॉन्स के आकार की होती है और एक केंद्रीय तने से निकलती है, जो इसे घना और भरा हुआ रूप देती है। एग्लोनिमा की कई सारी किस्में होती हैं, जिसमें से प्रत्येक अपनी विशेष सुंदरता होती है। जैसे कि रेड सियाम किस्म में लाल और गुलाबी रंग की होती है, जबकि सिल्वर बे किस्म बड़ी ही सिल्वरी और ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। इसकी प्रसिद्धि का एक कारण इसकी अनुकूलता भी है। ये कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है, जिससे ये उन जगहों के लिए आदर्श है जहाँ प्राकृतिक प्रकाश कम होता है, जैसे कि ऑफिसेज, हमारे लिविंग रूम्स या फिर हमारे बेडरूम्स। अब कुछ केयरिंग के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एग्लोनिमा के। एग्लोनिमा एक ऐसा पौधा है जो नए और अनुभवी दोनों पौधों के शौकीन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसे बनाए रखना बहुत आसान है। यदि आप इसे सही मात्रा में पानी, रोशनी और तापमान का ध्यान देंगे तो आपका एग्लोनिमा स्वस्थ और जीवित बना रहेगा।
निलम निमा को लगातार नम रहना पसंद है, लेकिन पानी में डूबा नहीं होना चाहिए। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे तो पौधे को पानी देना चाहिए। आमतौर पर हर 7 से 10 दिन में पानी देना चाहिए, लेकिन बढ़ते मौसम मतलब बसंत में और गर्मी में अधिक बारी इसको पानी देना पड़ता है। पतझड़ और सर्दियों में जब पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है तो पानी देने की आवृत्ति मतलब जो इसकी ड्यूरेशन है वो भी हमें हर 2 से 3 हफ्तों तक कम कर देनी चाहिए। पौधे को अच्छी तरह से पानी दे ताकि अतिरिक्त पानी गमले के नीचे छेद में से बाहर आ जाए। पौधे को खड़े पानी में छोड़ने से जड़ सड़ सकती है। यदि कभी कभी पानी देना भूल जाए तो एग्लोनिमा थोड़ा सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक सूखे से इसको बचाना चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियां मुरझा सकती हैं और ये सूख सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी लाइटिंग के बारे में। एग्लोनिमा का एक बड़ा फायदा ये है कि ये कम रोशनी में भी बढ़ सकता है, जिससे कि ये उन जगहों के लिए अच्छा है जहाँ प्राकृतिक धूप कम आती है। लेकिन तेज अप्रत्यक्ष रोशनी में ये और भी अच्छा बढ़ता है। इसकी पत्तियाँ अधिक चमकीली होती हैं, लाल या गुलाबी जो पत्तियाँ होती हैं उनको अधिक रोशनी से मदद मिलती है, जिससे कि इनका रंग और भी ज़्यादा सुंदर बनता है। सीधी धूप से इनको बचाना चाहिए क्योंकि इससे पत्तियाँ भूरी हो सकती हैं, फीकी हो सकती हैं और जल सकती हैं। अगर आपके एग्लोनिमा को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही है तो इसकी पत्तियों में इसकी पत्तियों का जो रंग है वो कम होने लगता है या फिर इसका जो विकास है वो धीमा होने लगता है। ऐसी स्थिति में पौधे को अच्छी रोशनी वाली जगह पर रखें और फिर से इसको स्वस्थ बनाइए। सो अब हम बात करते हैं इस पौधे की मिट्टी के बारे में। एग्लोनिमा अच्छी जल निकासी वाला मिट्टी में अच्छे से बढ़ता है, जो थोड़ी नमी बनाए रखती है लेकिन गीली नहीं होती है। सुनिश्चित करता है कि मिट्टी सख्त ना हो, जिससे कि जड़ों में सड़न या फिर अधिक पानी ना रुकने पाए। आमतौर पर वसंत ऋतु में जब पौधा सक्रिय रूप से बढ़ रहा होता है, हर 2 से 3 साल में इसे दोबारा से गमले में लगाना चाहिए, इससे कि जड़ों को फैलने की जगह मिलती है और नई मिट्टी मिलने से पौधों का विकास भी अच्छा होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इस प्लांट के टेम्परेचर के बारे में। सो एग्लोनिमा को अपने प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वातावरण की तरह गर्म और नम माहौल ज्यादा पसंद है। इसकी आदर्श तापमान जो सीमा है वो है 65 डिग्री फॉरेनहाइट से 80 डिग्री फॉरेनहाइट तक, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। हालांकि ये 55 डिग्री फॉरेनहाइट तक का भी न्यूनतम तापमान सहन कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक कम तापमान में रहने से पत्तियां खराब हो सकती हैं। एग्लोनिमा को एयर कंडीशनर, हीटर, वेंट या ठंडी हवा से दूर रखना चाहिए क्योंकि अचानक तापमान में बदलाव से इसको नुकसान हो सकता है। ये पौधा मध्यम से उच्च आर्द्रता में भी अच्छे से बढ़ता है। यदि घर में हवा शुष्क है, खास करके सर्दियों में, तो पत्तियों को सूखने और भूरे किनारे बनने से इसको रोकना चाहिए। ये नियमित रूप से इसे पानी का स्प्रे जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्लोनिमा के कॉमन इश्यूज के बारे में। आपको लग रहा होगा कि इस प्लांट के बारे में जितना कुछ मैंने बताया है, इस प्लांट को रखना कितना इजी होगा, कितना इजीली इसकी हम केयर कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट के भी कुछ कॉमन इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्लोनिमा एक मजबूत और अनुकूल पौधा है जो कम रोशनी में भी बढ़ता है और घर की हवा को शुद्ध रखता है, जिससे हर घर में, हर ऑफिस के लिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन कह सकती हूँ। जिसे मैं इसे स्वस्थ रखने के लिए कीट जैसे कि स्पाइडर माइट्स का ध्यान रखें और अत्यधिक पानी देने से बचना चाहिए, इससे जड़ों में सड़न नहीं होगी। पौधों की नियमित जांच जरूर करें, जरूरत पड़ने पर नीम तेल या फिर कीटनाशक साबुन से उपचार जरूर करें। इसकी चमकदार पत्तियां और कम देखभाल की जरूरत इसे किसी भी स्थान में सुंदरता और प्राकृतिक आकर्षण जोड़ने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। तो ये था हमारा प्लांट एग्लोनिमा। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के बारे में। टडा, अब हम बात करने वाले हैं पोथोस के बारे में। दोस्तों, इस प्लांट का नाम डेविल्स आईवी भी कहा जाता है। इसके दिल के आकार के पत्ते और लटकी हुई बेलें किसी भी इंडोर वातावरण में प्राकृतिक सौंदर्य का स्पर्श जोड़ती है। ये सोलोमन द्वीपों के हरे भरे जंगलों से आता है और विभिन्न वातावरणों में बढ़ सकता है, जिसे ये एक नौ सीखिए और अनुभवी बागवानी वाले दोनों ही लोगों के लिए उपयुक्त है। पोथोस की कई किस्में होती है, जैसे कि गोल्डन पोथोस, मार्बल क्वीन और नियॉन पोथोस, जो अपने अनोखे रंग और आकार से घर और ऑफिस की सजावट में विशेष योगदान देते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इस प्लांट के कॉमन इश्यूज के बारे में। तो पोथोस एक मजबूत पौधा है, लेकिन इसे कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कीटों का हमला, जिसमें कि एफिड्स, मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स शामिल होते हैं, जो पत्तियों से रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक पानी देने से जड़ें सड़ने लगती हैं, उनकी समस्या हो सकती है, जिससे पत्तियां पीली हो सकती हैं और मिट्टी से बुरी गंध आनी शुरू होती है।
पर्याप्त रोशनी न मिलना या अधिक पानी देना भी पौधों के विकास को प्रभावित कर सकता है। पौधों को समय समय पर कीटों से बचाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में इसका पुनः रोपण करना और संतुलित उर्वरक का उपयोग करने से इन समस्याओं को रोका जा सकता है। तो अपने रंग बिरंगे पत्तों और फूलों वाली बेलों के साथ किसी भी स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता और ऊर्जा लेकर के आता है। ये पौधा कम देखभाल में उगता है और विभिन्न वातावरण में फलता फूलता है, जिससे कि ये शुरुआती और विशेषज्ञ पौधा प्रेमियों के लिए एक आदर्श है। पोथोस को आसानी से टोकरी में लटकाया जा सकता है, आर्च या शेल्फ पर चढ़ाया जा सकता है, जो कमरे में गहराई और गतिशीलता को जोड़ता है। इसके हरे, पीले और सफेद पत्ते आंखों को सुकून देते हैं। ये पौधा न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में शांति और प्रकृति के साथ भी जुड़ाव लेकर के आता है। तो दोस्तों, अब हम जिस अगले प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और उस प्लांट का नाम है पीस लिली। जी हाँ, कितना खूबसूरत प्लांट है पीस लिली, जिसे वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक नाम है जिसका स्पैथिफिलम इसे कहा जाता है, अपने गहरे हरे पत्ते और सुंदर सफेद फूलों के लिए जाना जाता है। ये उष्णकटिबंधीय अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया का पौधा है, जो कि किसी भी इंडोर वातावरण में प्राकृतिक सुंदरता का स्पर्श जोड़ता है। घरों में और ऑफिस में, सार्वजनिक स्थानों पर ये शांति, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीस लिली के चमकदार लॉन्स के आकार के पत्ते रोसेट पैटर्न में ऊपर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनकी पत्तियां कुछ इंच से लेकर एक फुट तक लंबी होती है। इनके फूल, जिसे स्पाथ कहा जाता है, सफेद या क्रीम रंग के होते हैं और केंद्रीय स्पैड्रिक्स के चारों ओर होते हैं। ये पौधा साल में दो बार फूलता है और इसके फूल कई हफ्तों तक बने रहते हैं। पीस लिली की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि सेंसेशन और 6 फीट तक ही बढ़ती हैं, और माउना लोआ, जिसके बड़े पत्ते और फूल होते हैं। छोटे आकार की वेलिसी जैसी कि अलग अलग किस्में होती हैं, जो छोटे स्थानों के लिए उपयुक्त होती हैं। विभिन्न आकारों में उपलब्ध ये पौधा डिजाइन और स्थान के अनुसार, लोगों को पसंद के अनुसार अलग अलग ऑप्शंस भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक और खूबसूरत प्लांट के बारे में, जिसका नाम है एरिका पाम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एरिका पाम को वैज्ञानिक रूप से डायप्सिस लुटेंसिस कहा जाता है। ये एक सुंदर और आकर्षक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जो कि किसी भी इंडोर वातावरण में हरियाली और सुंदरता को जोड़ता है। मूल रूप से मेडागास्कर का रहने वाला ये पौधा अपने नाजुक और फैली हुई पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसे बटरफ्लाई पाम या फिर गोल्डन कैन पाम भी कहा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6 to 8 feet के बीच में होती है। इसके हरियाली भरे पत्ते और इसके सुनहरे रंग का टेंट इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। एरिका पाम न केवल सुंदर है, बल्कि यह हवा को भी शुद्ध करता है, जिससे कि घर के अंदर की हवा को साफ करने में मदद करता है, वातावरण को ताजगी देता है और हमें एनर्जी देता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस पौधे के केयरिंग टिप्स क्या है। सो एरिका पाम को बढ़ाने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हालांकि ये रखरखाव में अपेक्षाकृत आसान है, इजी है। ये पौधा हमेशा नम मिट्टी पसंद करता है, लेकिन अधिक पानी से जड़ें सड़ने का भी खतरा रहता है, इसलिए पानी देने के बीच में मिट्टी की ऊपरी परत सूखी रहने देना जरूरी है। इसे मजबूत अप्रत्यक्ष रोशनी में रखना चाहिए और सीधे सूरज की रोशनी से इसे बचाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एरिका पाम के लिए मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। एरिका पाम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और हर 2-3 साल में इसे पुनः रोपित करना फायदेमंद होगा। ये पौधा गर्म और आर्द्र वातावरण पसंद करता है, और 65 डिग्री फॉरेनहाइट से 75 डिग्री फॉरेनहाइट के तापमान में ये सबसे अच्छा बढ़ता है। हवा में पानी बनाए रखने के लिए पौधे को नियमित रूप से छिड़काव और ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे इस प्लांट के कॉमन इश्यूज के बारे में, जो कि हर प्लांट के साथ होता है। एरिका पाम को कभी कभी पर्यावरणीय तनाव, कीट और रोगों का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य कीट जैसे कि मकड़ी के कीट, मिलीबग्स और स्केल कीट पौधों के रस को चूसकर पत्तियों को पीला कर देती है। रोगों में सबसे आम समस्या जड़ों का सड़ना है, जो अधिक पानी देने से खराब जल की निकासी की वजह से होता है। इसकी पहचान पीली पत्तियां, मुरझाना और गंदे मिट्टी की गंध से की जा सकती है। इसकी मिट्टी से गंध आने लग जाती है, तो इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। नियमित रूप से पौधों की जांच और पत्तियों को गीले कपड़े से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उचित जलवायु और पानी देने की सही विधियों से पर्यावरणीय तनाव को कम किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप इन प्लांट्स के बारे में जान करके आपका भी मन कर रहा होगा कि कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स और हेल्दी प्लांट्स हैं जिसे कि आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। इसी तरह से 19 प्लांट्स के बारे में ऑथर ने डिटेल में बताया है। आप अगर इन प्लांट्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको इस बुक को परचेस करने का लिंक हम शेयर कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में। इस बुक को ज़रूर परचेस कीजिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे एक और नई बुक समरी में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। धन्यवाद।